बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आज हम सीखेंगे जीम और मीम। तो जीम को या हा को मीम के साथ जोड़ने के लिए पहले बिल्कुल उसी तरह हमने जीम शुरू करनी है जैसे इसकी लंबाई है 5 नुक्ते और 1 नुक्ता नीचे तक इसको लाना है। ये आप यहाँ से शुरू करेंगे और आस्ता आस्ता नीचे लें। और इधर ठीक है, यहाँ हमने 1 नुक्ता अंदर वाली साइड में इसको जो इसका आगे वाले हिस्से वहीं से कलम रखनी और अंदर ऐसे खींचना ऐसे। और यहाँ से हमने ये थोड़ा सा और इसको बैलेंस कर लूँ। ठीक है जी, यहाँ से हमने अभी जीम को बीच में 1 नुक्ता गैप यहाँ सेंटर से इसके साथ तकरीबन इसके करीब से गुजरने टच होते चला जाए या इससे थोड़ा नीचे यहाँ से, और यहाँ ऊपर से 1 नुक्ता आगे जाना चाहिए यहाँ तक। आप मेजरमेंट कर लें, यहाँ आगे जा के फिर नीचे मीम के लिए मुड़ना है। यहाँ आके आस्ते थोड़ा सा कर देना और मीम यहाँ तकरीबन 2 नुक्ते या 1.5 नुक्ते लंबाई तक पीछे आए। फिर यहाँ जैसे राम लिखा था ऐसे बिल्कुल हम लिखने और 2 नुक्ते नीचे गहराई इसकी होती है। आपको शायद पहली वीडियो अगर सही रिपीट की हुई है तो आपको याद होगा, नीचे लाना है और यहाँ आके हमने कलम को आस्ता आस्ता यहाँ आके आस्ता आस्ता कलम को हमने आगे से सीधा खा देना ऐसे, क्योंकि आगे से ये जो है ना थोड़ा सा सीधा होके इसके साथ मिले। ये बिल्कुल यहाँ से नीचे ऐसे गोल नहीं होना चाहिए, ये आपको दिखा ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये देखें ऐसे गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये यहाँ आके कलम को आस्ता आस्ता ऊपर से आगे करना है ऊपर वाले से ऐसे। और फिर यहाँ से ये देख इस डिग्री तक आप ले लो और यहाँ से बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि 1 नुक्ता फिर अंदर या आधा नुक्ता अंदर वाली साइड, ये देखिए 0.5 नुक्ता यहाँ से अंदर ऐसे, ये आपका हा मीम या जीम मीम जैसे आप चाहें। ये थोड़ा सा नीचे निकला हुआ हो किनारा सा तो बहुत प्यारा लगता है। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी आपको एक और जीम को ज़रा लंबा करके मीम के साथ जोड़ के दिखाते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। अब हम आपको जीम को बिल्कुल उसी तरह ही हमने डालना है, थोड़ा तिरछा करके ये दूसरा इसका ताज सा बना देते हैं, वरना ये भी जीम वैसे चल जाती है जैसे वो लिखा है, वो भी प्यारी लगती है, ये भी प्यारी लगती है। अब यहाँ से हमने इसको लंबा खींच के लेके जाना है ये यहाँ तक ऐसे आराम आराम से हाथ चलाएंगे तो बहुत साफ आपका हाथ चल जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे। वैसे तो कलर सही नज़र आ जाते हैं लेकिन वीडियो के लिए थोड़े कम है। अब यहाँ से मीम का ये एक और मीम का अंदाज़ है, यहाँ से तकरीबन 1.5 नुक्ता नीचे लाना है और यहाँ से ऊपर जाके फिर वही जैसे हमने रा लिखा था ना ये, या मीम जैसे होती लिखी हुई है पीछे वाली, यहाँ से ऐसे वही रा या मीम ऐसे 2 नुक्ते नीचे हमने ले के जानी है। इसकी लंबाई आप याद रखें यहाँ से 2 नुक्ते तक,
बिल्कुल ऐसे जैसे मीम या ये रा लिखने का, यहाँ ऊपर वाले हिस्सा आगे कर लेने, फिर ऊपर का कुंडा ऐसे ही आधा नुक्ता अंदर हो, तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है। तो ट्राई करते रहें, ये तकरीबन जब नीचे एक नुक्ता गहराई तक जाएगी, ये और भी लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं, तो कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।